नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बर्फबारी और कहां पड़ेंगे ओले, साथ ही जानेंगे तापमान का हाल। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। शुक्रवार को जम्मू और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ ओलों के आसार, उत्तराखंड में भी कई जगह ओले पड़ना संभव। पहाड़ी इलाकों में कई जगह बारिश और बर्फबारी का अनुमान, उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में भी कई जगह बरसेंगे बादल। दिल्ली में हरे चने और काले चने की बुआई के लिए खेत करें तैयार, पंजाब में जायद फसलों की बुआई के लिए खेत करें तैयार। बुलेटिन की शुरुआत बारिश के अनुमान से। उत्तर के पहाड़ी इलाकों में कल और शुक्रवार को बारिश की संभावना है, साथ ही अगले दो दिन देश के मैदानी इलाकों में भी कई जगह बरसात का अनुमान है। वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बादल बरस सकते हैं। पूरे भारत में दो दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में बरसात का अनुमान है, साथ ही शुक्रवार को उत्तराखंड में भी अलग अलग जगह पर बरसात की संभावना दिख रही है। वहीं शुक्रवार को चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान है, जबकि पंजाब में अगले दो दिन कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं कल और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के आसार नहीं है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में गुरुवार और शुक्रवार को बारिश की संभावना है। वहीं अगले दो दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बरसात का अनुमान नहीं है। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं उड़ीसा में कल और शुक्रवार को अलग अलग जगहों पर बरसात का अनुमान है, साथ ही दो दिन बिहार और झारखंड में बरसात के आसार नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वोत्तर के असम, मेघालय में कई जगहों पर बरसात का अनुमान है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में अगले दो दिन कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो अगले दो दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं है, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी गुरुवार और शुक्रवार को बरसात होने का अनुमान नहीं है। अगले दो दिन विदर्भ और मराठवाड़ा में भी बरसात की संभावना नहीं है। कल और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में भी बरसात के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में भी अगले दो दिन बारिश के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में अगले दो दिन बारिश के आसार दिख रहे हैं। वहीं तेलंगाना और रायलसीमा में शुक्रवार को बारिश का अनुमान है, साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में गुरुवार और शुक्रवार को बरसात की संभावना है। केरल और दक्षिणी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में शुक्रवार को बरसात का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक चरण सिंह ने हमें जानकारी दी कि किन किन राज्यों में काफी भारी बरसात के आसार हैं। उसमें बहुत कमी आ गई है। अब जो छुटपुट बरसात या बर्फबारी होगी वो पहाड़ी राज्यों में अगले दो दिन देखने को मिलेगी। जहाँ तक प्लेन्स है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, या पश्चिमी भारत है या मध्य भारत है, ये आमतौर पर ड्राई रहेगा, यहाँ बरसात की कोई संभावना नहीं है। हालांकि अभी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ कई स्थानों में, और जो कोस्टल एरिया हैं खासतौर से उड़ीसा, GWB और इधर आंध्र प्रदेश, यहाँ छुटपुट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ रेनफॉल देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो पेनिनसुलर इंडिया खासतौर से तमिलनाडु का कोस्टल एरिया और केरला का सदर्न पार्ट्स, यहाँ भी अगले दो दिन कई जगह में हल्की फुल्की बरसात की संभावना है। और आइए अब डालते हैं नजर मौसम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में कई जगह बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। वहीं उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में भी कई जगह बरसात की संभावना है। शुक्रवार को जम्मू और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाओं के साथ ही ओले पड़ने के भी आसार हैं। उत्तराखंड में भी शुक्रवार को कई जगह तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही ओले पड़ने का भी अनुमान है। वहीं कल तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। शुक्रवार को केरल और रायलसीमा में चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दो दिन तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में भी तेज हवाएं चल सकती हैं।
वहीं कल तमिलनाडु के कई इलाकों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। दो दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। और मौसम वैज्ञानिक चरण सिंह ने बताया तापमान और लू की स्थिति के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर तापमान पर सरसरी तौर पर नज़र डालें तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, वेस्ट इंडिया है और सेंट्रल इंडिया, यहाँ तापमान लगभग सामान्य से कहीं 2 से 3 डिग्री ऊपर और कहीं नीचे इस तरह के चले हुए, जिन्हें हम लगभग नियर नॉर्मल बोल सकते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में जो तापमान है वो भी सामान्य के आसपास हैं। खास जो हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री काफ़ी जगह में एवं नॉर्मल चल रहे हैं। उनमें भी खास एरिया, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, जो इंटीरियर तमिलनाडु है, साउथ रायल सीमा है, कोस्टल आंध्र प्रदेश है, यहाँ ऐसे एरिया हैं जहाँ तापमानों की बढ़ोतरी के साथ साथ यहाँ अगले 2 दिन कई जगह में लू चलने की, जिन्हें हम हीट वेव कहते हैं, उन्हें चलने की संभावना अगले 2 दिन बनी हुई है। देश के किन हिस्सों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं, इस बारे में मौसम वैज्ञानिक ने क्या जानकारी दी, आइए देखते हैं। देखिए, तेज हवाएं जो थंडर के साथ में गस्टी विंड होती हैं, जो कई बार 30 से 40 KMPH तक पहुंच जाती हैं, उस तरह की हवाएं अगले 24 घंटे पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, कोस्टल उड़ीसा, कोस्टल तमिलनाडु और कोस्टल केरला, ये ऐसे एरिया जहां गस्टी विंड, जिन्हें हम कहते हैं, उनके चलने की संभावना अगले 2 दिन है। और अब पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई। उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हुई। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई। साथ ही असम और मेघालय में भी कई जगह बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बारिश हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के भी कुछ इलाकों में बरसात हुई। वहीं उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में पानी बरसा। असम और मेघालय के अलग अलग इलाकों में मध्यम कोहरा छाया रहा। गांगी पश्चिम बंगाल में भी कोहरे का असर दिखा। और अब नजर डाल लेते हैं तापमान के हाल पर। पहले बात अधिकतम तापमान की। रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में पारा 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय आंध्र प्रदेश में भी तापमान कुछ ऐसा ही दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पारा 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा तो केरल में कुछ जगह तापमान का यही हाल रहा। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा पारा तिरुपति में रहा। यहां अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो रायलसीमा के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कई जगह तापमान का यही हाल रहा। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर तापमान 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं झारखंड के कई स्थानों पर पारा 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। उड़ीसा में भी कई जगह तापमान का यही हाल रहा। साथ ही बिहार में भी कई जगह पारा 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मौसम के अनुसार खेती, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं अगले 4 दिनों के लिए 2 शहरों का तापमान। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मौसम में हो रहे बदलाव और उतार चढ़ाव को देखते हुए किसान अपनी फसलों की उचित देखभाल करें ताकि फसलों को अधिक नुकसान न पहुंचे। तो कैसे करें फसलों की हिफाजत और इस मौसम में कौन सी फसल की करें बुआई, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। इन दिनों देश के कुछ हिस्सों में बारिश तो कहीं तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में किसान खेतों में लगे फसलों को सहारा दें ताकि नुकसान ना हो। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव को देखते हुए किसान अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ इस मौसम में किन किन फसलों का बुआई करें इसका भी खास ख्याल रखें।
दिल्ली और आसपास के किसान हरे चने और काले चने की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। वहीं पंजाब के किसान पक चुकी रबी फसलों जैसे गेहूं और चने की कटाई कर लें। यहां के किसान सरसों फसल की भी कटाई जारी रखें। साथ ही पंजाब के किसान जायद फसलों के लिए अपने खेतों को तैयार करें। यहां के किसान गन्ने, भिंडी और लोबिया की बुआई करें। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में बरसात हुई है, जिसके कारण खेतों में भी नमी बनी हुई है। ऐसे में किसान इन खेतों में हरे चने की बुआई कर सकते हैं। बिहार के किसान ग्रीष्मकालीन मक्के की बुआई कर लें। यहां के किसान लौकी, करेला और ककड़ी की बुआई भी करें। सीताफल की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। अगर विशेषज्ञों की सलाह से फसल की बुआई और देखभाल की जाए तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सीताफल की बुआई से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सीताफल की बुआई के लिए ये समय एकदम अनुकूल है। इसे साल में दो बार फरवरी, मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सीताफल की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है। सीताफल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की हैं। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। इससे एक हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इससे एक हेक्टेयर से 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा करीब 2 किलो का होता है। ये विटामिन ए से भरपूर है। पूसा हाइब्रिड ए उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान एक हेक्टेयर में 500 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल होता है, जिसका वजन 4.5 किलो तक हो सकता है। सीताफल की एक हेक्टेयर में बुआई के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त है। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीताफल की बुआई करते समय ही एक हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो पोटेशियम देना चाहिए। फूल आने पर लौकी की तरह ही 1% यूरिया का छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। इसकी फसल पर लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए कार्बरिल दवा की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें। और अब मौसम के लिहाज से खेती। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान जायद सब्जियों की बुआई करें। यहां के किसान लौकी और ककड़ी की बुआई कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान चारा मक्के की बुआई भी कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भिंडी और फ्रेंच बीन की बुआई करें, तो वहीं पंजाब में कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई करें। यहां के किसान सूरजमुखी की भी बुआई कर सकते हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दो और शहरों के तापमान पर। आगे इस मौसम में बेर की खेती पर विशेषज्ञ से करेंगे खास बातचीत। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब मौसम के लिहाज से खेती। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बोरो धान की रोपाई जारी रखें। यहां के किसान बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की कटाई कर लें। गांगे पश्चिम बंगाल में भिंडी की बुआई जारी रखें। यहां के किसान मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करें। वहीं झारखंड में किसान मूंग और भिंडी की बुआई जारी रखें। मराठवाड़ा में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति द्वारा केले की फसल में सिंचाई करें। इस समय कई फसलों की बुआई की जा रही है। बेर की खेती पर ज्यादा जानकारी के लिए दूरदर्शन किसान संवाददाता आदित्य शर्मा ने बात की CHAS भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गोधरा गुजरात के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह से। किसान भाइयों बहनों, आज के मौसम खबर में हम बात करेंगे बेर की खेती के बारे में। ये जो समय है ये इसकी खेती में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे में कुछ खास बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कौन सी हैं वो खास बातें, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय सिंह, जो अध्यक्ष हैं CHAS गोधरा गुजरात में। डॉक्टर संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करते हैं बेर की खेती की, तो इस समय हमारे किसानों को कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या सलाह देंगे आप हमारे किसानों को? बेर की सफल खेती करने के लिए हम लोग जो है 3-4 बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, वैरायटी का चुनाव, प्रजातियों का चुनाव सही से करें। जो हमारी वैराइटीज़ है, गोला, उमरान, कैथली, बनारसी कड़ाका, गोमा कीर्ति, ये सब वैराइटीज़ का जो है कोई भी वैराइटी ले लें। और ये जरूर ध्यान रखें कि यदि 100 में 90 पौधा लेते हैं गोला का, तो 10 पौधा उनका जरूर उमरान या कैथली या बनारसी कड़ाका का होना चाहिए, क्योंकि परागण इसमें होता है। अगर एक से ज़्यादा वैरायटी नहीं होगी तो उसमें फ्रूट सेटिंग कम होती है। इस वैरायटी का चुनाव बहुत ज़रूरी है, कौन कौन वैरायटी का करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पौधा लग गया तो उसमें प्रूनिंग अवश्य करें, काट छाँट। इसमें करीब करीब जो भी ग्रोथ होती है साल भर में, उसका 80% भाग काट देना चाहिए। ये कटाई छटाई का काम बेर में मई महीने में करना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, दवा का उपयोग। इसमें जो है फ्रूट बोरर और ये फ्रूट फ्लाई, ये दो कीड़े बहुत लगते हैं, और रोग में पाउडरी मिल्ड्यू लगता है। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए एक दवा आती है वेटेबल सल्फर, जिसका कि 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे 3 स्प्रे करना चाहिए फल सेटिंग के बाद। इसी तरह से डाइमेथोएट दवा आती है फ्रूट बोरर और फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए, इसका जो है भी 3 स्प्रे जो है हमको करीब 5 से 7 ml दवाई प्रति 10 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करना है। तो फ्रूट बोरर का कंट्रोल, प्रूनिंग करना, सही प्रजातियों को लगाना, उसके बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि खाना तो पक गया लेकिन परोसना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसको जो है ग्रेडिंग, पैकेजिंग, हार्वेस्टिंग, सही स्टेज पर उसको हार्वेस्ट करना है और सही पैकिंग करना है, ग्रेडिंग करना है और सही तरीके से उसको मेन मार्केट में ले जाना है। कहीं कभी कभी हमारे किसान भाइयों को अगर मार्केटिंग सही नहीं होती है तो आधा दाम मिलता है, इसलिए उसको जो है सही पौधा, सही दवा, सही प्रूनिंग और पैकेजिंग करके मार्केटिंग करेंगे तो बेर से अवश्य ही उन्हें लाभ मिलेगा। बिल्कुल, अभी आपने तमाम बातों के बारे में जिक्र किया कि उन्नत प्रजाति का चुनाव करना चाहिए, खेती करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और बाज़ार व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, बाज़ार को बाज़ार तक ले जाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है तुड़ाई ढंग से करना, तो तुड़ाई के समय हमारे किसानों को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि इवन जब तुड़ाई करें तो बहुत सावधानी से तुड़ाई करना चाहिए। फल को कोई किसी तरह की जो है क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, कोई उसमें स्क्रैचिंग, ब्रूजिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए। इवन नाखून भी काट करके, आला हम लोग बोलते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से करना है तो नाखून कटा होना चाहिए, उसमें ग्लव्स लगा के करें तो और अच्छी बात है। यानी किसी भी हालत में हमको फल को किसी तरह की क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए। और उसकी जो है हार्वेस्टिंग है वो जब जैसे गोला पड़ जाती है बेर की, तो वो हल्का सा जो पीला कलर पड़ने लगे तो हार्वेस्ट करना है और दूर की मार्केट बाजार में ले जाना है। तो हम उम्मीद करते हैं इनसे आप जरूर लाभान्वित होंगे। कैमरा पर्सन शारदा रंजन के साथ अदिति शर्मा, दूरदर्शन किसान के लिए। और बुलेटिन में एक बार फिर नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। पहाड़ी इलाकों में कई जगह बारिश और बर्फबारी का अनुमान है, साथ ही उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में भी कई जगह बरसात की संभावना है। वहीं शुक्रवार को जम्मू और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही ओले भी पड़ सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में भी शुक्रवार को कई जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान है। कल तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना है।
शुक्रवार को केरल और रायलसीमा में चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दो दिन तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में भी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कल तमिलनाडु के कई इलाकों में गर्म हवाएं चल सकती हैं, तो वहीं दो दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी गर्म हवाएं चलने की संभावना है। और अब मौसम खबर में चलते चलते देखते हैं दो और शहरों का तापमान। मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।